आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, डाउटनेट में आपका स्वागत है। आज का हमारा क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज एसेलरेशन एंड रीजन। ओके, सो अपना जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स मे नॉट नेसेसरली इंक्रीजिंग इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो जो अपना फर्स्ट है वो ये बातें कह रहा है, और जो सेकेंड रीजन है वो क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। सो ये टू स्टेटमेंट है। सो अपने को चार ऑप्शन दिए गए हैं। सो उनमें कहा गया, जो फर्स्ट ऑप्शन अपना उसके अंदर कहा जा रहा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। ओके, एंड जो सेकेंड है वो कहा जा रहा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एंड थर्ड जो ऑप्शन है वो कहा जा रहा है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एंड जो फोर्थ ऑप्शन है वो कहा जा रहा है, ए इज फॉल्स एंड आर इज आल्सो फॉल्स। ओके ओके, सो जो अपना फर्स्ट स्टेटमेंट है इसको फाइंड आउट करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या अपने को कहा गया। सो जो स्टेटमेंट फर्स्ट था इसके अंदर कह रहा है ऑन इंक्रीजिंग करंट सेंसिटिविटी। सो देखिए, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके अंदर जो करंट सेंसिटिव होता है उसको किसे लिखते हैं, ऐसा इसे डिनोट करते हैं, और ये होता है थीटा अपॉन आई, और वो इक्वल होता है एन ए बी अपॉन सी। ओके, सो अपने को क्या कहा गया है, अगर अपन इंक्रीज करते हैं करंट सेंसिटिविटी को गैल्वेनोमीटर की, द नंबर ऑफ टर्न्स, अगर नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिक अपनी सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज होगी। ओके, सो ये कहा था मे नॉट नेसेसरीली इंक्रीज इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो अपने को बताना क्या है कि ये क्या मतलब है, ऑलवेज मे नॉट नेसेसरी हमेशा क्या है, सही नहीं होता है। ठीक है, सो तो जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है वो क्या होता है, एस वी इक्वल होता है थीटा बाई वी इक्वल एन ए बी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू सी। ओके, सो एस वी बाई अपन ऐसा ही लिखेंगे तो वो क्या होगा, I by V इक्वल हो जाएगा 1 by resistance of kilometer। ओके, सो जो ये sensitivity है, voltage sensitivity है, वो depend किस पर करती है, S V इक्वल हो गया S I upon resistance of kilometer की, तो ये S I and resistance of kilometer दोनों पर depend करता है, तो ये बात सही नहीं है। ठीक है, सो अपन यहाँ से कह सकते हैं कि जो ये ऑप्शन ए है, जो एक्सप्लेनेशन ए है वो करेक्ट है, क्योंकि मे नॉट नेसेसरी इंक्रीज इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी, क्योंकि डिपेंड किस पर करता है, ये दोनों पर डिपेंड करता है, ये एस आई पर भी डिपेंड करता है और आर जी पर भी डिपेंड करता है। सो जो ऑप्शन ए है वो ट्रू है। एंड अभी चलते हैं अपन ऑप्शन सेकेंड पर। सो अपना सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। सो जो अपना यहाँ रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि अपन यहाँ लिख लेते हैं, जो अभी अभी अपन ने लिखा है चलो मान लेते हैं, एस वीकल होगा एन ए बी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ कैलोरीमीटर इंटू सी। ओके, सो यहाँ जो एस वी है वो प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, 1 बाई आर जी के। ओके, सो जैसे जैसे रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे सो अपनी जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, एंड अपने को यहाँ कहा गया द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इंक्रीज, अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे ऑन द इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे, सो अपना यहाँ जो फॉर्मूला था सो इसमें आर जी इक्वल होगा एन ए बी अपॉन एस वी सी के। ओके, सो यहाँ आर जी है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एन के। सो जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स, जो कॉइल ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स है
वो बढ़ाएंगे, सो वैसे वैसे अपना रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। सो ये सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। सो यहाँ जो अपना ऑप्शन आएगा वो आएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये अपना राइट आंसर हो जाता है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। थैंक्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।